Hello friends, myself Basunik from Institute of Medical Sciences BHU and you are watching SS Tutorials. तो इस वीडियो में एक काफी बिगेस्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफी लोगों का प्रॉब्लम है. ठीक है, काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि हम जब क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है, तो आपके रूम पर तो वो क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप हॉस्टल में या रूम पर जब करते हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वही क्वेश्चंस जब आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हो, ठीक है, वही क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल में कर रहे हो तो वो नहीं होता या उसमें थोड़ा दिक्कत होता है. रूम जैसा कंफर्टेबिलिटी वहां नहीं मिलता है. तो इसके लिए हम क्या करें, ये क्वेश्चन था काफी लोगों का. ठीक है, चलिए इस पर हम आज बात करते हैं. तो इसमें जो सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा क्या कि आप जब रूम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो रूम पर जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होना होगा वो मस्ट बी टाइम लिमिट में होना चाहिए. पहला तो ये, आप रूम पर जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चंस टाइम लिमिट में करो और एकदम एग्जाम की तरह करो. ठीक है, चाहे वो आप 10 क्वेश्चन ही क्यों नहीं कर रहे हो, 15 क्वेश्चन ही क्यों नहीं कर रहे हो, 20 क्वेश्चन ही क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ भी 10 भी करो, 15 भी करो, 20 भी करो, एक गिवन टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को किया करो. ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपके फिजिक्स आपका काफी अच्छा है जो सब्जेक्ट आपका, तो उसमें आपको जैसे फिजिक्स करो तो फिजिक्स के 10 क्वेश्चन के लिए आप 30 मिनट रख सकते हो. ठीक है, यदि आपका कमजोर है थोड़ा सा तो आप 45 मिनट रख सकते हो, एक घंटा रख सकते हो, लेकिन उसी टाइम लिमिट पे आपको करना है उन क्वेश्चंस को. बात समझ आ रहा ना, केमिस्ट्री के लिए ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में रख सकते हो. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप रूम पर जो प्रैक्टिस करो वो टाइम लिमिट में करो, अलार्म क्लॉक सेट कर लो, ठीक है, उसके हिसाब से करो और एकदम एग्जाम हॉल की तरह. आप OMR ले लो, OMR मार्केट में मिल जाता है, बहुत सस्ता मिलता है. ठीक है, कोई उसमें कॉस्टली तो है नहीं OMR लेना. OMR लेकर रखो रूम पर, जब भी MCQ प्रैक्टिस करो OMR का फिलिंग करो साथ में. ठीक है, MCQ करते हुए ओके. यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रूम में आप डेली प्रैक्टिस करते हो, रूम का जो आपका डेली प्रैक्टिस है उस डेली प्रैक्टिस को आप कन्वर्ट कर दो एग्जाम हॉल में. रूम के डेली प्रैक्टिस को आप कंसिडर करो कि एग्जाम हॉल में आप एग्जाम दे लो. पहला ये स्टेप करो, आपको काफी हेल्प मिलेगा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में. ठीक है ना, ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है. आप रूम के प्रैक्टिस को कन्वर्ट करो एग्जाम हॉल के प्रैक्टिस में. ठीक है, सबसे पहला ये, इससे आपको काफी 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 ज्यादा हेल्प मिलने वाला है. दूसरा चीज है आपका, इसी से रिलेटेड है दूसरा चीज. ठीक है, दूसरा चीज है आपका कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस. देखिए, आप उन टॉपिक्स में फंसते हो जिनका कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता ना हो. ठीक है, जो कि आप या तो डायरेक्टली रट लियो, ठीक है, डायरेक्टली रट लियो या बस फॉर्मूला रट लियो, मतलब वही मैं बताना चाह रहा हूँ, उस पर आपने कॉन्सेप्ट्स पर कभी फोकस नहीं किया है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, उसके पीछे क्यों ये फॉर्मूला ऐसा आया, क्यों ऐसा नहीं आया, इस पर आपने फोकस नहीं किया और एग्जाम में जाकर वही चीज़ आपको परेशान कर रहा है. ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस, यदि प्रैक्टिस कम होगा, यदि आपने रूम पर प्रैक्टिस कम किया होगा तो कम प्रैक्टिस आपको एग्जाम में काफी परेशान करेगा. ठीक है, देखो प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा बताता हूँ मैं आपको. सबसे पहले तो प्रैक्टिस करोगे आप तो इससे दो तीन फायदे होंगे. एक तो फायदा होगा क्या, ये आपका कंसेप्ट पार्ट प्रैक्टिस से क्या होगा, कंसेप्ट पार्ट स्ट्रांग होता जाएगा धीरे धीरे. जितना आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे कंसेप्ट पार्ट आपका उतना ही स्ट्रांग होगा. दूसरा, प्रैक्टिस करोगे तो आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस के फॉर्मेट को इनकाउंटर करोगे, टाइप को इनकाउंटर करोगे, तो एग्जाम में आप जब एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में आपको नए क्वेश्चंस कम मिलेंगे. ठीक है, एग्जाम में आपको नए क्वेश्चंस क्या होंगे, कम मिलेंगे. यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को तो एग्जाम में आपको नए क्वेश्चंस कम मिलेंगे. देखो, आप जब एग्जाम में जो फंसते हो वो सिर्फ किसमें फंसते हो, जो नए क्वेश्चंस है जो आपने रूम पर करके गए हैं, जैसे क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस यदि आ गए तो आप कर ही लेते हो. ठीक है, फंसते हो नए क्वेश्चंस जिसमें आपको सोचना पड़ता है, तो नए क्वेश्चंस के प्रोबेबिलिटी को एग्जाम में आप रिड्यूस करो. कैसे रिड्यूस कर सकते हो, बाय द प्रैक्टिस. ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप ज़्यादा क्वेश्चन के फॉर्मेट को सॉल्व कर पाओगे, एग्जाम में नए क्वेश्चंस के प्रोबेबिलिटी को आप आसानी से कम कर सकते हो. ठीक है, ये दूसरा चीज़ ध्यान रखना आपको. तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है इस चीज़ को कम करने के लिए, वो आपके एग्जामिनेशन के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन के दौरान मैं बार बार बोलता हूँ, आप इस मेंटलिटी से ना जाएं कि बहुत लोग इस मेंटलिटी चलते हैं कि जो हम जल्दी जल्दी करेंगे, कौन से क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में उसको तो जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे. ठीक है, और टाइम बचाएंगे, क्या सोचते हैं वो कि हम टाइम बचाएंगे, किसके लिए टाइम बचाएंगे, जो टफ क्वेश्चंस है, जो भी टफ क्वेश्चंस है उनके लिए हम टाइम सेव करेंगे और टफ क्वेश्चंस को फोकस करेंगे उस टाइम में. इस कंसेप्ट को मैं सरासर गलत मानता हूँ. ठीक है, इस पर वर्क मत करो आप. जो भी लोग ये सजेस्ट करते हैं
एकदम गलत है, ये एकदम गलत है, इसलिए मैं काट रहा हूँ इसको। आपको क्या करना चाहिए, देखिए आप में क्वेश्चंस में आपको क्या मिला है, इजी क्वेश्चंस मिला है। इजी क्वेश्चंस ही तो आपको नंबर देने वाले हैं। नंबर कौन देने वाला है? इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस मतलब क्या हुआ, जो आपको आता है, ठीक है, जो आपको 100% आता है। क्या ये 100% जो आता है आपको, उसको आप इजी क्वेश्चन बोलते हो, वही तो आपको मार्क्स देने वाला। और आप उसी को जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी जल्दी करने में क्या होगा, उसको यदि फास्ट करते हो तो क्या होगा, आपको आपके सिली मिस्टेक्स के साथ चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। और इस इजी वाले पोर्शन में जितना भी, जितना ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा, उतना ही आप सिलेक्शन से दूर जाओगे, ठीक है। सिलेक्शन से आप दूर जाओगे, उतना ही सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे, जितना इस इजी वाले पोर्शन में क्वेश्चन गलत होगा। तो मेरा यही सजेशन होता है भाई, जो इजी वाले क्वेश्चन है, इन पर आप टाइम एग्जाम में ज़्यादा दिया करो, ठीक है। इन पर टाइम एग्जाम में आप ज़्यादा दिया करो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जामिनेशन के दौरान। ऐसे जो ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको वहाँ पर नहीं होता क्वेश्चन, घर पर हो जाता है, तो आप पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपका क्या होता है, आप किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हो, बड़े प्रॉब्लम में फंसने के बाद क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन होता है वो भी नहीं हो पाता बाद में, मेंटली मतलब दिमाग काम नहीं करता उसमें, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस को करो अच्छे से, उसके लिए टाइम ज़्यादा रखो। बात समझ आ रहा है ना, जब इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं आप टफ क्वेश्चन पर जाओ। और ध्यान रखो, इजी क्वेश्चन करने के बीच में आप कभी भी हार्ड क्वेश्चंस मत किया करो, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन करने जाओगे यदि वो नहीं बना, ठीक है, यदि मान लो वो नहीं बना, तो उससे क्या होगा, आपका जो मेंटलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। आपका मेंटलिटी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, उस समय आप मेंटली परेशान हो जाएगा, उस समय मेंटली पूरी तरह से परेशान हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा, जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आपका जो ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे नहीं बन पाएंगे। ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है, आपको इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस एग्जाम में आप उन क्वेश्चंस को करो कि जो इजी है, फिर बोल रहा हूँ एग्जाम उन्हीं क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट करना है आपको, जो पहले इजी है, इजी के बाद आपको हार्ड जाना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, खासकर फिजिक्स के केस में, फिजिकल केमिस्ट्री के केस में, दो पॉइंट को और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के केस में, कि क्वेश्चंस के तीन फॉर्मेट होते हैं। एक तो इजीएस्ट होते हैं, एक आता है लेकिन कैसा है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन थोड़ा उसका ज़्यादा है, और एक हार्ड क्वेश्चंस है। तो पहले आप इजीएस्ट क्या करो, आप आता है कैलकुलेशन को भी फर्स्ट स्टेप में मत करो, ठीक है। आता है कैलकुलेशन में क्या होगा, ये आप करोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो अब जानते हो कैलकुलेशन क्या हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स काफ़ी होते हैं एग्जाम में, और कैलकुलेशन मिस्टेक देखो एग्जाम में क्या होता है, 0.2 × 0.2, आप जानते हो कि भाई 0.2 × 2 4 होता है, 0.4 होगा, लेकिन आप क्या लिखोगे 0.22, ऐसा ऐसा मिस्टेक होता है, ठीक है। और ये बार बार रिपीटेड होगा एग्जाम में, आप अब उस क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन के एक मिनट में लगा आंसर नहीं आ रहा, फिर आप जब उस क्वेश्चन को रिपीट करोगे, तो फिर जब ये स्टेप आएगा तो भी यही आंसर लिखोगे, फिर उसको आंसर गलती आएगा। अब 2 से 3 बार करोगे तो आप उसमें क्या होगा, आपको आपके अंदर खुद एक डिप्रेशन आना शुरू होगा कि भाई इजी जो क्वेश्चन हमको आता है वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, डिप्रेशन होगा कि जो क्वेश्चन हमको आता है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इससे बचना है आपको, और ये डिप्रेशन आपके आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस पर इफेक्ट डालेगा, और सब पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। आपको इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट क्वेश्चन उस एक क्वेश्चन के कारण आप नहीं कर पाओगे, जो आपके मेंटलिटी को डिस्टर्ब कर दिया है, माइंड को डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से आपको बचना है, बात समझ आ रहा है ना, उन टाइप के क्वेश्चन से आपको बचना है, और आसानी से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो इन कुछ टिप्स को आप कोशिश करो फॉलो करने का, तो ये जो प्रॉब्लम है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते, रूम पर तो हो जाते हैं, वो आपको दूर होगा। और इसमें सबसे इंस्ट्रूमेंटल पहला वाला जरूर फॉलो करना अच्छे से, ठीक है, जिसमें मैंने बताया आपको कि रूम पर प्रैक्टिस किया करो। तो कंक्लूजन वही है कि आप रूम प्रैक्टिस को एग्जाम हॉल में कन्वर्ट करो आप, ठीक है, और प्रैक्टिस का अमाउंट मोर बढ़ाओ, प्रैक्टिस का अमाउंट ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज करो, ओके। और तीसरा है कि एग्जाम के दौरान आप सावधानी बरतो, जो मैंने बताया, ये तीन कंक्लूजन अपनाओ, इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, आपको जरूर हेल्प मिलेगा, ओके। सो थैंक यू वॉचिंग, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। चलिए थैंक्स, बाय बाय।